नमस्कार, आदाब, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं एलजी निवास से थोड़े दूर पे, जहां से वामपंथी पार्टियों ने एक जनता मार्च का आह्वान किया है दिल्ली में, जिस तरह से बुलडोजर की राजनीति चल रही है उसके खिलाफ। तो ये प्रदर्शनकारी शामिल हुए, इनकी क्या है मांग और ये राजनीति के खिलाफ क्यों आए हैं सड़कों पर उतर के, इनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं। We are targeting, of course, Muslims, strategically Muslim, dominated areas are being targeted. परंतु overall जो भी आप demolition drives देखते हैं उसका 99% तो शहर के गरीबों का ही encroachment को target करते हुए होता है। हमें शहर के जो बहुत affluent areas हैं जहाँ पर खूब सारा encroachment हो रहा है, सैनिक farms, छतरपुर की तरफ जो farm houses हैं, उनका हमें नहीं दिखता ज़्यादा action उनके खिलाफ। हमें हमेशा झुग्गियों में छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरियो के अंदर जो लोग बसे हैं उनको, उनका इंक्रोचमेंट दिखता है, रेडी पटरी वालों का दिखता है। तो दिस इज एन एंटी पुअर पॉलिसी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का एक रवैया रहा है, और ये आपको सीधा सीधा दिल्ली के मास्टर प्लान में भी दिखता है। दिस इज ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये एक एक्सपेंडिंग सिटी है। एक्सपेंडिंग सिटी का मतलब है कि स्लम डेवलपमेंट, रेगुलराइजेशन बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज होते हैं किसी भी सरकार के, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार। तो इसका निग्लेक्ट क्यों हो रहा है? निग्लेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके लिए गरीब लोगों की मेहनत, गरीब लोगों का रोजगार दिखता नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों के मेहनत से ही तो इकोनॉमी चलती है। आप देख लीजिए इस शहर में कितने सारे लोग जो माइग्रेट होके आए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करते हैं, फैक्ट्री में 5-6 हजार रुपए के लिए काम करते हैं। वो काम करना रोक देना तो दिल्ली का क्या होगा? आप सुअर जो है, सुअर लाइन जो है, उसमें अगर उसकी सफाई नहीं होती है, या आपका जो दिल्ली जल बोर्ड का स्टाफ है जो कॉन्ट्रैक्ट पे या डेली वेज पे काम करता है, दूर दूर से आके यहाँ पे 10-15-20 साल से रह रहा है, उनके लिए कोई मकान नहीं, झुग्गी में रहते हैं, वो काम करना छोड़ देना तो आपके टॉयलेट में रिवर्स फ्लो होगा, ये कोई देखता नहीं है। अलग अलग जगहों पे जहाँ दो समुदायों के लोग रहते हैं और खास तौर पे जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, उन जगहों पे बुलडोजर चला के उन अल्पसंख्यक लोगों के बीच में दहशत का माहौल पैदा करना एक राजनीति का ही हिस्सा है। उसके खिलाफ आज दिल्ली की तमाम वामपंथी पार्टियों ने मिलके लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर पे प्रदर्शन का फैसला किया है। आखिर कौन सा ऐसा अतिक्रमण का अभियान है, हम सवाल करते हैं एमसीडी से, जिसमें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चिट्ठी लिख के एमसीडी को बताएंगे कि इस इलाके में बुलडोजर चलना चाहिए, और फिर जो है वो एमसीडी जो है वो दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिख करके कहेंगे कि हमको यहाँ यहाँ जो है फोर्स चाहिए, और उसके बाद वहाँ वहाँ जो है बुलडोजर चलाया जाएगा। दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कैसे तय कर सकते हैं किस जगह बुलडोजर चलना नहीं चाहिए, नहीं चलना चाहिए? इससे साफ है कि कोई अतिक्रम हटाने की कार्रवाई नहीं है, ये बीजेपी के इशारे पर एक राजनीतिक कार्रवाई है। दिल्ली के भीतर दहशत और नफरत का माहौल ये बनाना चाहते हैं। हम लोग का जन्म भी वही हुआ है, हम लोग का जन्म भी वहाँ हुआ है, अभी हम खुद 3 बच्चे की माँ है। आप सोच सकते हैं कि हम लोग कब से रह रहे हैं, बिल्डिंग छोड़ दिया है और झुग्गी पे हमला कर दिया, हम लोग 2.5 साल से बेघर है, और आप फिर से ये कह रहा है कि मैं तोड़ दूंगा, आके कह रहा है। मकान तो दूर का बात है, झुग्गी भी नहीं रहने दे रहा है, ना पानी है ना बाथरूम है। बोल, सरकार तो बहुत बड़ा ऑर्डर किया, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब घर ही नहीं रहेगा तो बेटी कहाँ से बचा लेंगे और बेटी को कहाँ से पढ़ा लेंगे? सरकार से हम लोग का कुछ मांग नहीं, हमें जहाँ का हम लोग का पूर्ण निवास दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। मजबूर में तो हम लोग खट ही रहे हैं, कभी से सरकार तो हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो आज उनसे क्या ये करना चाहिए? अख्तरी, बुलडोजर ड्रेस को नहीं पहचानता। जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला सेलेक्टिवली सी ब्लॉक में, क्योंकि वहां मुसलमान रहते हैं, लेकिन गरीबों की सड़कों पर मुसलमान, हिंदू, सिख मिलकर दुकान करते हैं, सब मिलकर बाजार पे रेडी लगाते हैं, और इसीलिए बुलडोजर का टारगेट खुद है मोदी जी की नजर में। लेकिन सभी गरीब उस बुलडोजर के क्रूरता के शिकार बनते हैं, और इसलिए हम कहते हैं नागरिक के हिसाब से, आज मंगोलपुरी में, कल नंदनगरी में, हम जानते हैं जो दिल्ली वासी हैं, ये सारे साथी
असंगठित क्षेत्र के साथ अधिकतर जुड़े हैं। कोई रेडी लगाता है, कोई छोटा दुकान करता है, कोई कूड़ा मिलते हैं। अधिकतर महिलाओं की जीविका, विधवाओं की जीविका, पेंशन तो देते नहीं है, नौकरी तो देते नहीं है, लेकिन सुबह से रात तक जो इस राजधानी को साफ करते हैं, उनकी जीविका बुलडोजर चलाकर, वाह वाह मोदी जी, कितने आप बहादुर हैं। जनता को ये 8 सालों में कुछ दे नहीं सके, रोजगार के नाम पे जीरो, हेल्थ के नाम पे इन्होंने बट्टा बिठा दिया देश का, शिक्षा के नाम पे सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, देने को कुछ नहीं है, सांप्रदायिकता के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये रोटियां सेकना हम जनता को, वाम दलों को, महिला संगठनों को, छात्र संगठनों को मंजूर नहीं है। इसीलिए आज ये नागरिक मार्च हुआ है। इस पर बस नहीं होगा, इनके कम्युनल फैशिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदुस्तान से इस कम्युनल फैशिज्म को पछाड़ देंगे। ये हमारा इस सरकार को चैलेंज है। अभी आपने प्रदर्शनकारी को सुना, जिस तरह से कह रहे हैं ये बुलडोजर चल रहे हैं दिल्ली नगर निगम पे, ये एक तरीके से नफरती बुलडोजर है और देश की जो सांप्रदायिक ताना बाना खराब करने के साथ साथ ही मजदूर वर्ग के खिलाफ एक युद्ध की तरह छेड़ा हुआ है, इसके खिलाफ ये लोग सड़क पे उतरे थे। अगर सरकार और एलजी साहब ने इस पर रोक नहीं लगाई तो इनका आंदोलन और तेज होगा। और इस अभी के लिए बस इतना ही, आगे जो भी अपडेट होगा इसको लेकर, बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।